Please support me daily new crossdressers in Hindi video come in 10 a.m. and p.m. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Job 4. आटी बोली लेकिन इश प्लान में बाली अब के पैटी को चढ़ेगी बोलो मंजूर हाई। नीलम बोली प्लान तो बैठो। आटी बोली जीजू को हम अपने स्कूल में अकाउंटेंट की जॉब पे रख ली था एक फीमेल की तरह वाकी प्लान मेन बताती हूँ। जीजू को इन डू मेन बात काटी हुंस। 4 पीएम हम लोग घर पहुंच गए। आटी चाय लेकर आई, मैंने चाय पी लेकिन एंटी चला गया क्योंकि उसको शॉप पे कुछ काम था। ए फ्लैट घर में सिर्फ मेन आटी और नीलम थे। आटी बोली जीजू वो मैंने आपके लिए स्कूल में जॉब की बात की थी तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, लेकिन एक आइडिया दिया मेरी बॉस ने जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। मेन बोला हाँ मुझे पता है, मुझे आट की तरह रेडी होना पड़ेगा, लेकिन मेन आट लगता नहीं हूँ। आटी इसकी टेंशन आप मैट कारो, मेन और डीडी आपको ऐसे बना देगी कि आप खुद नहीं पहचान पोगे खुद को। नेक्स्ट डे आटी मुझे अपने साथ एक पार्लर ले गई और बोली देखो जीजू आज मेन आपको अपने घर नहीं लेकर जोगी क्योंकि यहाँ आपको पूरी तरह से एक लड़की बना दिया जाएगा। मेन बोला तो मेन कहा जोगा और नीलम को क्या बोलूंगा। वो बोली आप टेंशन मैट लो, मैंने डीडी को सब बांटा दिया है। आप 3 दिन तक अब मेरी एक फ्रेंड हाय उनके यहाँ रहोगे। मेन बोला ठीक हाय। आटी बोली यहाँ आपकी पूरी बॉडी की वैक्सीन और सब कुछ हो जाएगी। मैंने कहा ये लड़कियों को शर्म नहीं आएगी ये कदामी को नंगा देखकर। आटी बोली ये पाला हिजरों के लिए हाय, तो आप टेंशन मैट लेना, बस किसी को कुछ मात बोलना वरना आपको हिजरा समझ कर अपने साथ रख लीज। एक एक करके इन लोगों ने फल मेरी पूरी बॉडी वैक्स की, उसके बाद मेरी चेस्ट पे आर्टिफिशियल ब्रेस्ट चिपका दी और हेयर विग भी लगा दी। उसके बाद मुझे एक पिंक ब्रा और पैंटी दी फैन के लिए और साथ में पिंक सलवर सूट। मेन बोला मुझे ब्रा पहनना नहीं आती, तो इन लोगों ने मेरी हेल्प की। एट लास्ट मुझे थोड़ा मेकअप किया और लेडीज चप्पल देकर बोली फन लो। मैंने पहन लिया, टैब तक आटी बाहर आ गई और मुझे देखकर हैप्पी हो गई और मेरे कान में बोली आप बहुत सुंदर लग रही हो जीजू। आईटी ने पेमेंट किया और हम बाहर आ गए। मुझे दफ्तर संभलना नहीं आती था कि आटी ने बताया कैसे संभलना है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और ऐसा लग रहा था सब मुझे देख रहे हो। आटी बोली देखो अब हम मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं जहाँ मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड नीलम से नाम से मिलवाऊंगी, उनको पता ना लगे कि तुम मेरे जीजू हो याद रहे, वरना सबको प्रॉब्लम है। हम ऑटो मेन बैठ कर सिटी से बाहर आ गए जहाँ आटी की फ्रेंड का घर था। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा एक से वेलकम किया। आटी ने बताया कि मेन भी उनकी तरह हूँ और कुछ ट्रेनिंग लेने आया हूँ। थोड़ी देर बाद आटी बोली नीलम मेन जा रही हूँ और 2 दिन बाद लेने आओगी। ए फ्लैट जैसा रानी का आईवेज करना। मैंने हाँ में हेड शेक किया, लेकिन अंदर से बहुत सारा हुआ था मेन आटी के जाने के बाद। मेन सोफे पे पैर अलग करके बैठा था तभी रानी बोली ये नीलम ये क्या माडो की तरह बैठी हाय। आट की तरह बैठ, देख हम कैसे बैठे हाय। मैंने कहा मेन अदामी हाय तो हूँ। रानी बोली नहीं तू आठ हाई रुक मेन बटाटाई हूँ, और उसने आवाज लगाई शीरा यहाँ आना। तभी एक 7 फीट का अदामी आया। रानी उससे बोली इसको ले जा अंदर और बाटा ये कौन है। वो मुझे गोद में उठा के ले गया है और बोली सॉरी लेकिन तू अब हमारी तरह एक आठ हाई। मैंने कहा हाँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 2 दिन तक रानी ने मुझे वॉक टॉक और दुपट्टा संभलना सिखाया। 3rd डे आटी मुझे लेने आई। मेन उसको देखकर रोन लगा और बोला प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आटी बोली ठीक है लेकिन ये बैठो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मेन बोला मेरा नाम नीलम है और मैं एक लड़की हूँ। आटी बोली ग्रेट ऐप तू चल सकती हो। जब हम घर वापस आ रहा है द टैब आटी बोली देखो मैंने घर पे बताया हाय तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हारा नाम भी नीलम है। दीदी तो जानती है लेकिन मम्मी को शक नहीं होना चाहिए। जल्दी हाय हम घर पहुंच गए।